Hi friends kaise ho aaj i hope you all are doing good and you're studying well so today we will take lesson number 1.3 have you ever seen kya dekha hai so let's warm up what words that have the same spelling but differ in meaning when used in different contexts are called homographs what are homographs

तो दिस इज द स्पेलिंग इज द सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट हाँ सेकेंड टाइप टाइप सुन के आपके मन में दो बातें आती होंगी एक तो टाइप यानी कि तरह तरह के दूसरा क्या है अपना कीबोर्ड का टाइपिंग तो हम लोग दो सेंटेंस क्या बना सकते हैं द कीबोर्ड हेल्प अस टू टाइप लेटर्स ओके दूसरा आई लाइक दिस टाइप ऑफ ड्रेस इसमें वो टाइपिंग एक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ ये टाइप है कौन सा तरीका तरह तरह के तरह ये मेरे को इस तरह का ड्रेस पसंद है ओके पोस्ट पोस्ट का मतलब यूजुअली हमारे मन में पोस्ट से क्या मीनिंग आता है पोस्ट मतलब जो लेटर पोस्ट पोस्टमैन पोस्ट बॉक्स पोस्ट ऑफिस है ना तो अभी दो तो सेंटेंस क्या बना सकते हैं आई हैव टू पोस्ट अ लेटर मुझे एक लेटर पोस्ट करना है दूसरा शी टुक द लेक्चर पोस्ट लंच ठीक है शी मतलब टीचर हो सकते द टीचर टुक द लेक्चर पोस्ट लंच टीचर ने पोस्ट लंच इसका मतलब क्या ये पोस्ट का मतलब है बाद में

जब वर्ड्स विद द सेम स्पेलिंग जो हमने ऊपर देखे आर यूज इन सच अ वे दैट दे कन्वे मोर देन वन मीनिंग द फिगर ऑफ स्पीच इन इज कॉल्ड पन ठीक है जब ऐसे जो वर्ड्स हमने ऊपर देखे हम ऐसे टाइप के वर्ड्स को एक से ज्यादा मीनिंग बताने की कोशिश करते हैं तो दैट इज अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच वो एक बोलने का एक तरीका है ठीक है और उसे कहते हैं पन पन एक्चुअली कैसा है पन का मीनिंग uh, है थोड़ा मजाक त, मजाकिया तरीके से बोलना ठीक है द वर्ड हैज वन बना मोर मीनिंग एंड इज यूज फॉर ह्यूमर जो पन के लिए जो हम लोग सेंटेंस uh, यूज करते हैं ना वो यूजअली कुछ मजाक करने के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं ठीक है तो पन इज ए प्ले अपॉन वर्ड्स जब आप पन के पन के सेंटेंसेस आप जब बोलेंगे तो वो यूजअली हम लोग जो ये जो वर्ड्स है ना होमोग्राफ्स होमोग्राफ्स को हम एक टाइप का उसके ऊपर एक खेल कर रहे हैं तो इधर एग्जाम्पल के लिए दिया है हेलो हाउस लाइफ एक पूछ रहा है दूसरे से हाय हाउस लाइफ तो क्या बोल रहा है वो हेल ओ उसने क्या प्ले किया इधर हेल ओ इट्स ट्राइफ हेल ओ एक तो हेलो है लेकिन ये स्पेलिंग सेम है लेकिन इसके मन मतलब क्या निकल रहा है नरक जैसा है, है ना हेल ओ हाँ, तो इसमें हंसी आ रहा है कि नहीं ये पूछ रहा हैलो हाउस लाइफ ये बोल रहा है हेल ओ इट्स अ स्ट्राइफ स्ट्राइफ मतलब मुसीबत है हेल नरक है ठीक है तो ऐसे टाइप के वर्ड्स को हम पन बोलते हैं मजा, मजाक मजाकिया तरीके से बोलना तो मैंने इधर आपको और चार एग्जाम्पल लिख के क्योंकि आई नो दिस विल डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड लेकिन आप ध्यान से सुनिए अ पेसिमिस्ट ब्लड टाइप इज बी नेगेटिव पेसिमिस्ट का मतलब क्या जो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है उसके मन में कभी पॉजिटिव बातें आती नहीं उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं तो इधर जो बी नेगेटिव मैंने जो लिखा है हा? उसको हम हमारा ब्लड टाइप है ना अलग अलग बी पॉजिटिव बी नेगेटिव है ना तो अभी जब हम बी नेगेटिव सुनते हैं तो आपको अपना ब्लड टाइप भी याद आता है, है? और हमें ये भी याद आता है कि कोई नेगेटिव थिंकिंग वाले आदमी को भी बी नेगेटिव बोलते हैं ना आ, कोई डोंट बी ऑलवेज नेगेटिव हम लोग बोलते हैं ना हमेशा यार हमेशा ये नेगेटिव बातें मत किया करो है ना तो पेसिमि ब्लड टाइप एक पेसिमि जो हमेशा नेगेटिव सोचता है ना उसका खून भी बी नेगेटिव होगा ऐसा बोलने का मतलब है सेंटेंस में तो एक टाइप ऑफ प्ले ऑन वर्ड्स है इट इज कॉल्ड पन फिर सेकेंड टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना <laughs> तो इसमें क्या हो रहा है टाइम एक समय एक एरो एरो यानी कि आपका तीर है ना समय तीर के जैसा उड़ जाता है कि नहीं बात तो सही है फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना क्या फ्रूट उड़ता है क्या लेकिन इसमें क्या मतलब पड़ रहा है फ्रूट फ्लाइज फ्लाइज मतलब मक्खी बनाना पसंद करते हैं ना लेकिन क्या बनाना बन, फ्रूट के जैसे फ्लाई के जैसे उड़ता है क्या नहीं ना जस्ट अ तो प्ले ऑन वर्ड्स मतलब खेल के लिए मजाक के लिए फिर इधर एन एलिफेंट ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट एक जब एक एलिफेंट अपना उपाय देता है तो उसमें बहुत भार है है मजाक लगता है ना वो <laughs> मतलब उसका बोलने का अंदर एलिफेंट इतना भारी है कि नहीं तो एन एलिफेंट जब कुछ बोलेगा तो उसके बात में बहुत भार है ऐसे बोलने के लिए मजाक ठीक है अ बॉइल्ड एग एवरी मॉर्निंग इज हार्ड टू बीट इसका मतलब क्या है ए बॉइल्ड एग एवरी मॉर्निंग इज हार्ड टू बीट एक तो मतलब निकलता है कि आप रोज़ सुबह एक उबला हुआ अंडा खाओगे तो आपके सेहत के लिए अच्छा है दूसरा क्या मतलब निकलता है इसका मजाक का मतलब अगर अंडा उबाल लिया तो उसका फेट सकते हो क्या नहीं ना तो ये बीट जो है ना इसमें प्ले है ठीक है तो इसको कहते हैं पन ठीक है अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इन पोएट्री वेन ए क्वेश्चन इज आस्ट नॉट टू गेट एन आंसर बट टू अ पॉइंट और फैक्ट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेशन जब एक पोएम में कोई सवाल पूछा जाता है वो यूजली उसका जवाब पाने के लिए नहीं पूछा जाता है वो किस लिए पूछा जाता है इट इज आस्ट टू कन्वे अ पॉइंट और टू टेल यू समथिंग अबाउट टू गिव यू पॉइंट अबाउट समथिंग लाइक अभी इधर एक एग्जाम्पल दिया है वेन कैन देर ग्लोरी फेड इज इंट इट टाइम फॉर द्स ग्लो ये आपको जवाब नहीं पूछ रहा है वो सोच रहा है विचार कर रहा है और उससे वो कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता है hmm? तो फ्रॉम अ पॉपुलर बुक ऑफ पोएम्स और द इंटरनेट राइट डाउन थ्री टू फोर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेशन यूज इन पोएट्री मैंने आपको तीन एग्जाम्पल लिए हैं दिखाए आप दो ढूंढिए ठीक है वाई डू आई होप वेन ऑल आई नो इज डिसमेंट ठीक है ये आपको जवाब नहीं पूछ रहा है ये ना पोएम में अपनी दिल की बात बोल रहा है वो बोल रहा है मैं क्यों बार बार उम्मीद करता रहता हूं जो क्योंकि जबी भी हो मेरे से तो बुराई होता है तो फिर मैं क्यों बार बार उम्मीद करता रहता हूं तो आपसे जवाब नहीं पूछ रहा वो अपने ऐसे दिल के दुख को बोल रहा है ठीक है दूसरा एक है वॉट डिड यू डू विद द हार्ट आई गेव यू मैंने तुमको जो दिल दिया था उसका तुमने क्या किया वो एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा उसका कोई जवाब है क्या दिल को कोई ऐसा दे सकता है क्या मतलब प्रैक्टिकली uh, नहीं ना वो एक इमोशनल बात की बात कर रहा है तो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट आंसर इज नॉट फॉर इज कॉल्ड इंटरोगेशन ओके तो अभी हम ये पोएम की तरफ जाते हैं आपने कभी देखा है ठीक है तो अब अब ध्यान से सुनो हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर पैट क्या आपने कभी uh, नदी के बिस्तर पे नदी का बिस्तर मतलब एकदम जो लोएस्ट पार्ट होता है जहां पर नदी का बॉटम क्या उसके ऊपर आपने कभी कोई शीट देखा है शीट मतलब बेडशीट जैसा देखा है क्या और सिंगल ए सिंगल हेयर फ्रॉम हैमर्स हेड फ्रॉम अ हैमर्स हेड मतलब हैमर का जो हैमर होता है ना ऐसा हैमर जो उसका ये पोर्शन होता है ना उसको हेड बोलते हैं इसको जिससे हम ठोकते हैं ना नेल को उसे हेड कहते हैं ठीक है थीके? तो इसके ऊपर आपने कभी कोई बाल देखा है क्या ये? किसके सिर पर बाल होता है इंसान के सिर पर बाल होता है हैमर के सिर पर बाल होता है क्या टाइप का पन, पन है। हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोस क्या पहाड़ का जो पहाड़ का जो सबसे लोएस्ट पोर्शन रहता है जो जहां से हम चढ़ते हैं इसको फुट कहते हैं ना है? इसके आपने कभी नाखून देखा है क्या किसके पैर में नाखून होता है हमारे पैर में ना पेड़ पहाड़ के पैर में नाखून होता है क्या द फुट ऑफ अ माउंटेन हैव एनी टोस दैट्स अ फनी क्वेश्चन दैट इज इज लाइक अ अ पन एंड देयर पेयर ऑफ गार्डन होस क्या गार्डन होस का ये इसमें जो होस है इसका मतलब क्या है एक तो ट्यूब है ना जो हम लोग पाइप के लिए पाइप फ्लेक्सिबल ट्यूब जो यूज करते हैं ना पानी में गार्डन में पानी डालने के लिए वो होस क्या अब उसके गार्डन होस के पास क्या दूसरा होस का मतलब क्या है लड़कियां जो स्टॉकिंग्स पहनते हैं ना उसको उसको भी होस बोलते हैं तो ये पूछा इज एंड इज अ पेयर ऑफ गार्डन होस गार्डन का होस का ऐसा पेयर होता है क्या डस द नीडल एवर इट्स आई जो हमारा नीडल होता है उसके ऊपर एक ऐसा जो पोर्शन जिसे हम धागा डालते हैं ना उसको क्या बोलते हैं आई हा? तो क्या आंख मारता है क्या नीडल हाँ वो पूछ रहा है नीडल एवर इट्स आई क्या डज इट इट्स आई वाइट डज इन दिंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई अभी हमारे जो बिल्डिंग्स होते हैं उसके विंग्स होते हैं ए बी सी टी क्या ये उड़ते हैं क्या इनको विंग्स तो बोला जाता है लेकिन ये उड़ते हैं क्या हा? इसका कोई जवाब दे सकते हैं क्या आप नहीं ना इसके ये सब इंटरोगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन यू टिकल द रिब ऑफ अ पैरासोल पेरासोल मतलब अम्ब्रेला अभी अम्ब्रेला में आपने देखा होगा अम्बरेला ऐसा होता है अंदर उसमें ये ऐसे तार रहते है ना उसको सपोर्ट करने के लिए जब वो खुलता है तो क्या इसको आप गुदगुदी कर सकते है? क्या वो पूछ रहा है या? ये, ये इसको रिब्स बोलते हैं और हमारे भी तो रिब्स होते हैं ना हमारे रिब्स को कोई हाथ लगाए तो हम तो उछल उछल के हमको टिकलिंग होता है ना तो आप क्या अम्ब्रेला के रिप को टिकल कर सकते हो क्या और ओपन द ट्रंक ऑफ ए ट्री एट ऑल पेड़ का जो ये भाग होता है इसको ट्रंक कहते हैं है ना इसको क्या आप आ, इसको खोल के इसके अंदर कुछ डाल सकते हैं सामान दूसरे ट्रंक का मतलब क्या बक्सा जो हम बॉक्स यूज करते हैं ना सामान रखने के लिए ताला वाला बॉक्स हुँ? उसको क्या कहते हैं बक्सा सॉरी ट्रंक ये भी ट्रंक होता है और ये भी ट्रंक होता है इसको तो खोल के हम सामान डाल, डाल सकते हैं क्या पेड़ के के ट्रंक को खोल सामान डाल सकते हैं क्या तो दिस आर ऑल फनी क्वेश्चन आर द टीथ ऑफ ए रेक एवर गोइंग टू बाइट रेक क्या होता है जो हम लोग गार्डन में यूज करते हैं ना ऐसे वाला जिससे हम पत्ते वत्ते साइड करते हैं हा? उसको कहते हैं रेक क्या इस रेक के दांत हमको काट सकते हैं क्या नहीं ना हैव द हैंड क्लॉक और राइट क्लॉक के जो ये हैंड्स होते हैं, जो हमको टाइम बताता है क्या ये इसका कोई लेफ्ट हैंड राइट होता है कि हमारा तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इसका कोई लेफ्ट हैंड राइट होना तो क्या नहीं ना ये तो ऐसे घूमता रहता है दिन भर क्लॉक वाइज टाइम बताने के लिए लेकिन इसको भी हैंड्स बोलते हैं हमारे हाथ को भी हैंड बोलते लेकिन हमारे पास लेफ्ट एंड राइट हैंड है ना कैन द गार्डन प्लॉट भी डीप एंड डार्क ये जो प्लॉट है इसका मतलब है कोई द प्लॉट used टू मीन एन evil और wicked प्लान द word प्लॉट इज also used टू मीन एन evil और wicked प्लान कोई हम लोग कोई कोई ना जो गुंडे लोग रहते हैं वो प्लॉटिंग करते हैं प्लॉट करते हैं हम लोग उसको कैसे हानि पहुंचे उसके घर में चोरी कैसे करें? उसको प्लॉट बोलते हैं और दूसरा प्लॉट क्या हमारा जो गार्डन जहाँ पर हम लोग गार्डन उगाते हैं उसको वो जो पैच ऑफ लैंड है उसको भी प्लॉट कहते हैं है ना तो क्या ये वाला जो प्लॉट है वो गहरा और Uh, दुष्ट हो सकता है क्या नहीं ना ये दुष्ट हो सकता है ना, ये वाला जो चोर प्लान करता है वो दुष्ट है लेकिन क्या ये जहां पर हम लोग फूल उगाते हैं वो दुष्ट हो सकता है क्या नहीं ना ओके एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्चेज बार्क बर्च एक ट्री है हा? जो पेड़ का जो बाहर का जो लेयर रहता है उसको क्या कहते हैं बार्क कहते हैं ना जो हम जो थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो ब्राउन डार्क ब्राउन कलर का रहता है उसको निकल जाता है ना उसको बार्क कहते हैं तो वो एक बार्क वो है दूसरा बार्क क्या है कुत्ता भोंक रहा है उसको बार्क बोलते तो क्या ये पेड़ का बार्क भोंकता है क्या ठीक है अच्छा तो आप समझ रहे हैं ये पोएम में क्या दिखा है दीज आर इंटरोगेटिव क्वेश्चन है लेकिन इसका कोई आंसर नहीं है इट इज जस्ट फॉर फन ये पन भी है एक टाइप का तो लेट जस्ट रीड थ्रू इट वंस मोर हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोस And is there a pair of garden hose? Does the needle ever wink its eye? Why doesn't the wing of a building fly? Can you tickle the ribs of a parasol? Or open the trunk of a tree at all? Are the teeth of a rake ever going to bite? Have the hands of a clock any left or right? Can the garden plot be deep and dark? And what is the sound of the purchase bark? This hmm? is anonymous. Likha, iska ये इसको ये पोइम को जिसने लिखा है उसका नाम हमें पता नहीं है एनोनिमस मतलब नेम नॉट नोन ओके आई होप यू हैड फन इन दिस क्लास मुझे तो बहुत मजा आया चलो हम नेक्स्ट वीडियो में वर्कशॉप करेंगे ओके okay बाय बच्चों बाय